ये वाले मेहमान बैठे हैं जी इधर, ये जैक ये देखे दोस्तों, वो भी पीछे आ रहा है जैक। ये खुद ही ये देखे दोस्तों कितनी ज्यादा आज स्मोक हुई पड़ी है दोस्तों। मिनी तू अभी जाके नजर आया, 9 बज चुके हैं सुबह के और अभी भी दोस्तों काफी ज्यादा स्मोक है। तो दोस्तों माशाल्लाह मैं ना अभी अभी सेटअप पे आया हूँ, मिली दोस्तों अंडा देने वाली है। दोस्तों अंडे को पकड़ते हैं फिर दोस्तों इधर से चलते हैं। पांजली दोस्तों अंडा आ चुका है, ये ले जी दोस्तों, गंदा भी हो गया अभी, फ्रेश फ्रेश अंडा ये ले दोस्तों। माशाल्लाह सुबह सुबह ही फ्रेश अंडा मिल गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपको शॉर्ट से तो पता लग ही रहा होगा कि इतनी ज्यादा रौनकें हमारे सेटअप में लग चुकी है। तो दोस्तों मैंने ना सब बैट्स को भी अंदर ही बंद किया हुआ है। सुबह दोस्तों स्मोक काफी ज्यादा थी दोस्तों, अभी धूप आई है माशाल्लाह, मैं 6:30 बैट्स बाहर निकालता हूँ और फिर दोस्तों आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों मैंने ना पिजन्स को ना अंदर ही ना डाइट वगैरह डाल दी हुई है माशाल्लाह, इन्होंने खा भी ली है क्योंकि दोस्तों धुंध काफी ज्यादा थी, मैंने ना इनको अंदर ही डाइट वगैरह डाल दिया। वैसे तो मैंने इनको भी डाइट वगैरह डाल दी हुई है, ये देखे दोस्तों इतनी सी बच गई है, ये भी हम ना इनको डाल देंगे। ऐसे तो दोस्तों निकालते काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, 3 2 1। तो ये ले दोस्तों फाइनली ना 6:30 बाहर निकाल दिए। अभी दोस्तों फाइनली ना हम लोग अपने 3 इडियट्स को खोलने वाले हैं, तो जल्दी से दोस्तों इनको खोल देते हैं, साथ में दोस्तों चिली को भी खोल देते हैं और साथ में दोस्तों सुल्तान और मिली को भी खोल देते हैं। दोस्तों रात को हमने ना इसमें शिफ्ट किए थे, तो इसलिए दोस्तों हमने ना इन सबको ना इकट्ठा बंद कर दिया था, तो इसको दोस्तों इसमें भी खोल देते हैं। दोस्तों मैंने ना चिली को, 3 इडियट्स को, मिली को और सुल्तान को जल्दी से ना खोल दिया। ये देखे दोस्तों इनके ना काम चेक करें, ये ना रैबिट हाउस में आ गए हैं और भागो इधर से, भागो 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 भागो। ये ले भाई इनके काम चेक करें, ये बताते हैं किसका खाना है। यार ये आते साथ जितनी ज्यादा बदमाशियां करना स्टार्ट हो गए हैं ना, मेरा दिल कर रहा है इन सबको दोस्तों मैं ना पेट सिटी में ना दोस्तों बंद कर दूं और फिर दोस्तों अपनी डक्स बेबी को खोलूं और फिर दोस्तों ये आराम से आपको सरप्राइज दिखाऊं। तो ऐसा ही करना पड़ेगा दोस्तों, मैं ना अंदर ही ना इनको डाइट वगैरह डाल देता हूँ और दोस्तों फिर आपको आराम से डक्स बेबीज दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ना मैंने ना इन सबको बंद कर दिया, अब दोस्तों इस वाली बाल्टी से ना दाना उठा लेते हैं और दोस्तों इनको ना अंदर ही ना डाल देते हैं क्योंकि दोस्तों हमने ना डक्स बेबी को भी फिर छोड़ना है। ये मैं डालूं कैसे अब यार, हाँ ऐसे डल गया। ये ले भी दोस्तों ये दाना अब इनसे ख़त्म ही नहीं होगा। ये ले दोस्तों ये तो खा पी रहे हैं सुकून के साथ ना, इनकी तो टेंशन खत्म, अब दोस्तों डक्स बेबी को देख लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने इनके लिए ना ताज़ा ताज़ा सारा फ्रेश फ्रेश था दोस्तों पानी ले आए, ये देखे दोस्तों मैंने ना ला के इधर रख दिया। अब दोस्तों इन दोनों को पकड़ते हैं और दोस्तों पानी में छोड़ देते हैं, ये देखे माशाल्लाह से ना धूप भी निकल आई है तो इंजॉय कर लेंगे। दोस्तों पहले ना इनका ना डोर खोल देते हैं और एक को पकड़ लेते हैं, दूसरा दोस्तों खुद ही आ जाएगा, इस काले को पकड़ लेते हैं, ये देखे दोस्तों वो खुद ही आ जाएगी। दोनों एक दूसरे के बगैर दोस्तों रहते ही नहीं है, ऐसा करते हैं उसको ना रास्ते का पता नहीं चल रहा दोस्तों, उसको भी ना खुद ही निकाल लेते हैं। ये देखिएगा दोस्तों मेरे ख्याल से वो भी पीछे आएगा, ये देखे दोस्तों वो भी पीछे आ रहा है, चेक करें, इसको पानी में छोड़ दिया। ये देखे ये बेचारा ढूंढ रहा है मेरी कहाँ गई है पार्टनर, ये देखे दोस्तों इसकी स्पीड चेक करें यार, ओए तो पकड़ा ही नहीं जा रहा, इसकी स्पीड चेक करें दोस्तों, इसकी स्पीड चेक करें यार, ये तो पकड़ा ही नहीं जा रहा, क्या करें इसका, ये मेरे ख्याल से खुद ही चले जाएगा यार, ये तो पकड़े नहीं जा रहा, मुझे तो हैरानगी हो रही है पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, ये खुद ही अंदर चले गया दोस्तों, माशाल्लाह से खुद ही अंदर चले गया। मैं तो सोच रहा था दोस्तों ये बहुत ज्यादा शरीफ है, लेकिन दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा बदमाश निकले हैं, पकड़े ही नहीं जाते दोस्तों माशाल्लाह, मुझे तो दोस्तों बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इनको देख के। अभी दोस्तों आपको और ज्यादा मजा आएगा दोस्तों जो हमारा अगला सरप्राइज है, ये दोस्तों माशाल्लाह खुद ही अंदर चले जाते हैं, खुद ही बाहर आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है इनको देख के ना। अभी मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इधर से ना इनको उठाते हैं दोस्तों और उसमें रख देते हैं, ये ना आराम से बैठे रहेंगे, खेलते कूदते रहेंगे। इधर से दोस्तों कौओं का भी डर है और दोस्तों साथ में ना चीलों का भी डर है, कहीं ना इनको पकड़ ना लें, इसको दोस्तों ऐसे ही उठा देते हैं और उसके अंदर रख देते हैं, फिर दोस्तों कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा करते हैं ये इसको ऐसे ही पकड़ लेते हैं, ये देखे दोस्तों बाहर खुद ही निकल गए हैं, कितने ज्यादा बदमाश है। अब दोस्तों इसके अंदर रख देते हैं इसको, अब कोई टेंशन नहीं है, अब दोस्तों इनको पकड़ना मुश्किल है थोड़ा ना, ये देखे दोस्तों ये तो आराम से पकड़ी जाती है दोस्तों, ये नहीं भागती, लेकिन दोस्तों ब्लैक वाला बहुत ज़्यादा बदमाश है, ये इनको इसको पकड़ना देखें, खुद ही अंदर चलेगा, शुक्र है खुद ही अंदर चलेगा। दोस्तों इनको डाइट भी डाल देते हैं, इनको ना दोस्तों ये वाली डाइट डालते हैं, पता नहीं ये खाते हैं या नहीं खाते, देख लेते हैं दोस्तों अभी पता चल जाएगा ये खाएँगे या नहीं खाएँगे ना, थोड़ी सी इधर डाल लेते हैं, अभी दोस्तों पता चल जाता है भला ये खाएँगे या नहीं। थोड़ी सी दोस्तों ऐसा करते हैं इनके ना पानी में भी डाल देते हैं, अभी देखते हैं दोस्तों ये ना खाते हैं या नहीं। दोस्तों पकड़ा भी नहीं जाता वरना ना इसको मैं खुद ही पकड़ के ना दोस्तों खिला दूँ, पानी में भी दोस्तों डाल दिए, ये ना रोटी खुद ब खुद खाते रहेंगे। ये देखे दोस्तों ये ना मेल है दोस्तों, माशाल्लाह बहुत शरारती है और बड़ा भी है ये दोस्तों, खाएगा खाएगा, ये देखे दोस्तों माशाल्लाह रोटी खा रहे हैं दोस्तों। ऐसा करते हैं ये जितनी भी रोटी है ना ये अंदर डाल देते हैं, ये लो भाई खाते रहो बैठ के, ये दोस्तों इनकी डाइट भी डल गई। अब दोस्तों आज के सरप्राइज की तरफ चलते हैं,
तो दोस्तों मैंने ना इनका ना एक हिसाब लगा लिया दोस्तों, अगर इनको ना पूरा दिन भी दोस्तों इधर छोड़ ही रखे ना तो दोस्तों इनका मन नहीं बढ़ना दोस्तों। कब से मैं बैठा हुआ हूँ तकरीबन मुझे एक घंटा हो गया दोस्तों मैं इनके पास ही बैठा हुआ हूँ, कभी दोस्तों मैं मुर्गों को देख रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ और दोस्तों कभी मैं इनको देख रहा हूँ। ये देखे फुल गीले हो गए लेकिन दोस्तों इनका मन नहीं बढ़ा दोस्तों। अभी मैं सोच रहा हूँ इनको धूप में रख दूँ वरना इनको सर्दी लग सकती है। इस जगह को बनाने में और दोस्तों ये वाले मेहमान लाने में दोस्तों मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी और मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब ये वाला दिन आएगा। दोस्तों आज फाइनली इसके लिए मेहमान आ चुके हैं। ये मेहमान कहाँ है दोस्तों मैं अभी आपको लाकर इनको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि ये वाले मेहमान कहाँ है। ये देखे दोस्तों ईंट हटाई है और अभी दोस्तों इन मेहमानों ने ना बाहर आ जाना दोस्तों। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये वाले मेहमान है कहाँ है। ये देखे दोस्तों इसके ऊपर मैं आ गया हूँ और ये वाले मेहमान बैठे हैं जी इधर। ये चेक करे दोस्तों माशाल्लाह ये दो मेहमान है हमारे क्यूट क्यूट से दोस्तों। ये देखे मुंह पर से इजीली दोस्तों देख पा रहे हैं दोस्तों रैबिट्स माशाल्लाह से ना मैंने इनको इधर ही बंद किया हुआ था। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं ये दोस्तों। अभी ना बेबीज है, ये एक महीने बाद दोस्तों पता चलेगा मेल कौन सा और फीमेल कौन सी है। तो दोस्तों मैं ना आपको दिखाता हूँ इनको ना पकड़ के। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह एक तो आ गया ये वाला और अब दोस्तों दूसरे को भी निकालते हैं। दूसरा ये देखे दोस्तों ये बैठा क्यूट सा ना, इसको भी दोस्तों पकड़ लेते हैं। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह दोनों हमारे रैबिट्स आ चुके हैं दोस्तों माशाल्लाह। इनके लिए ना हमने डाइट का दोस्तों प्रॉपर ना बहुत ज्यादा इंतजाम किया हुआ है दोस्तों। हमारे रैबिट्स ना घर वालों को इतने ज्यादा पसंद आए हैं कि सुबह दोस्तों इनकी ना खिदमतें हो रही हैं। कभी गाजरें आ रही हैं, कभी मेथी के पत्ते, कभी पालक के पत्ते और कभी दोस्तों इनके लिए ना मकई आ रही है। ये देखे दोस्तों अभी भी ना ये क्यूट मेहमान खा रहा है सुबह का। दोस्तों हमने ना इनको मकई भी डाली हुई है। ये देखे दोस्तों हमने इनको छली भी डाली थी। इनके छली में आपको दिखाता हूँ। ओए मारना ना कालू क्या कर रहे हो इतना प्यारा यार ये। तो दोस्तों इसको ना इधर छोड़ते हैं, ये मकई वगैरह खाएगा। ये ले जी दोस्तों इनके लिए ना ये वाली मकई भी आ गई है दोस्तों। मकई और दोस्तों ये वाली मकई, ये वाली मकई और दोस्तों ये देखे ये पूरा पिंजरा हमने मेथी के साथ बड़ा हुआ है। ये भी माशाल्लाह इनको डालेंगे दोस्तों। इनको ना हमने दिनों में दोस्तों बड़ा करना है, फिर हम ना फैंसी रैबिट्स भी इंशाल्लाह लाएंगे। इधर से दोस्तों हम ना ये वाली जो मेथी है ना दोस्तों इसको भी उठा लेते हैं। काफी ज्यादा दोस्तों मेथी है ये भी। चलो भाई दोस्तों ये मेथी भी खाएंगे इधर। अभी दोस्तों और भी पड़ी है, ये मैं थोड़ी ना मुर्गियों को भी दोस्तों डाल दूंगा क्योंकि सारी की सारी मेथी दोस्तों ये छोटे छोटे से नहीं खा सकते। तो दोस्तों ये मैं मुर्गियों को भी डाल दूंगा। हमारे दोस्तों रैबिट हाउस में ना काफ़ी ज़्यादा दोस्तों नेचुरल वाली फीलिंग आ रही है। ये देखे दोस्तों ऊपर से हमने तूड़ी के साथ भी सही करना है। ये देखे दोस्तों इधर हमने दो हट्स बनाई हैं, एक में दोस्तों इनको डाइट वगैरह डालेंगे और दूसरे में दोस्तों हमने पानी रखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ना नेचुरल इन्वायरमेंट मिला हुआ है दोस्तों। अभी इनका जो फर्श है ना इसमें भी हमने ना मट्टी वगैरह लेप करनी है, ऐसे फिर दोस्तों और भी प्यारा हो जाएगा रैबिट हाउस। देखिए दोस्तों कालू ना खुद ही बाहर आ गया यार, कालू का क्या करिए, तो खुद ही बाहर आ जाएगा बार बार। ये देखे दोस्तों अब ये अंदर भी नहीं जा रहा, शुक्र अंदर चले गया दोस्तों। ये ना इसके लिए तंग हो रहे हैं तो थोड़ी सी ना मेथी दोस्तों पकड़ के ना इनको अंदर ही डाल देते हैं। ये ले दोस्तों मिली भी बाहर आ गया यार, इनका क्या करें। चलो भाई अंदर मैं ना इनको और मेथी दोस्तों अंदर ही डाल देता हूँ। तो ये ले दोस्तों मैं ना इनको और मेथी डाल देता हूँ। ये डाल दिए इधर दोस्तों। ये देखे माशाल्लाह जंगली स्पैरोज भी आ रही हैं, ऊपर से उड़ के आ रही हैं जा रही हैं माशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा हमारा ना मिनी जू नेचुरल बन चुका है दोस्तों। अभी तो और भी बहुत कुछ बनाना। ये वाली चिड़िया दोस्तों अगर इन नेस्टिंग बॉक्सेस में दोस्तों अपने घर बना लेना दोस्तों क्या ही बात है। ये दोस्तों जब से आए हैं ना हम इनकी खिदमतें कर रहे हैं दोस्तों। रात के आए हैं ये खाई जा रहे हैं दोस्तों, ये खाई जा रहे हैं। अभी इसके लिए मैं घास भी लेने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर ये शाम तक भी खाए ना तो ये सब कुछ दोस्तों इनसे नहीं मुकने वाला। माशाल्लाह से ना हमारे मिनी जू में दोस्तों काफ़ी देर से ना स्पैरोज आ रही हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। ये देखे दोस्तों इधर हमारे मुर्गी हैं और साथ ही दोस्तों हमारे रैबिट्स हैं। ये देखे दोस्तों हमारे ना मटकियों की तरफ भी दोस्तों स्पैरोज आ रही हैं। मुझे लगता है दोस्तों अब ना ये नेस्टिंग वगैरह करेंगी दोस्तों। हम ना एक दो हफ्ते तक चेक करेंगे भला इन्होंने अंडे बच्चे तो नहीं दिए इधर। एक रैबिट दोस्तों हमारा ना खुद ब खुद ही बाहर आ गया दोस्तों। इसके ऊपर भी ये देखे दोस्तों मेथी का ना वो लगा हुआ है, तो दोस्तों ये खुद ही बाहर आया। ये भी मेरे ख्याल से खुद ही बाहर आ जाएगा। इसके दोस्तों काम चेक करें, इधर से ये गया और उधर से दोस्तों फिर से अंदर। ये देखे दोस्तों हमारे ना मुर्गे माशाल्लाह से बिल्कुल इधर खुश है। और ये देखे हमने ना इनको ना इजाफी दोस्तों डाइट भी डाली हुई है। और दोस्तों हमारे रैबिट्स भी ना बिल्कुल दोस्तों ठीक ना दाना वगैरह अपना खा रहे हैं। ये तो दोस्तों इनका दाना ही है। एक मेरे ख्याल से दोस्तों इसके अंदर है। अभी दोस्तों ना देख लेते हैं। हैं दोस्तों एक हमारा रैबिट ही नहीं है इधर। वो देखो दोस्तों इस बदमाश के काम चेक करें, मुझे डरा ही दिया इसने। ओए तुम के इधर लेने आए हो। ये देखे दोस्तों अभी ना इसके स्पीड वगैरह पकड़ ली है। पहले इसने डाइट नहीं था खाई तो ये भाग नहीं था। अब दोस्तों इसने ना डाइट वगैरह खा ली है तो ये भी भागना स्टार्ट हो गया। चलो भाई तुम अपने हाउस में। ये वाला रैबिट दोस्तों बार बार ना मुर्गियों के साथ पंगे ले रहा है। अगर उन्होंने इसको मार दिया ना तो इसने बाद में रोना है, फिर इसको नीचे उतार देते हैं, बल्कि इसने खुद ही नीचे उतरना है।
ये देखे दोस्तों माशाल्लाह से ना कितना ये क्यूट है। पहले तो दोस्तों भाग नहीं था, अभी दोस्तों भागना भी स्टार्ट हो गया। इसको देख लेते हैं, ये देखे आराम से बैठा है एक जगह पे, कितना क्यूट है यार माशाल्लाह से ना। ओहो, मुर्गियों के साथ दोस्तों बातें भी करना स्टार्ट कर दी है इसने, तो वो देखे कहाँ जा रहा है। अभी दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ कि अपने रैबिट्स के साथ दोस्तों मैं पिजन्स को भी खोलने वाला हूँ। देखते हैं दोस्तों रैबिट्स का और पिजन्स का ना हमारे क्या रिएक्शन होता है इनको देख के। एक रैबिट दोस्तों इधर बैठा हुआ है और दूसरा वो दोस्तों अपना खाना खा रहा है। दोस्तों इनको ना मैं बाहर निकालता हूँ क्योंकि इन्होंने ना डर से हमारे बाहर आना नहीं है। ये बहुत ज्यादा डरपोक है। पहले दोस्तों मैं ना इसको ही निकाल लेता हूँ, ये बहुत ज्यादा शैतान है, ये भी नहीं पकड़े जाते। ए छुटकू को पहले, नहीं छुटकू के पापा को पहले निकालते हैं। चलो भाई ये ले दोस्तों, ये देखे भाग के सीधा अंदर। मैंने क्या कहा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा डरपोक है, इन्होंने इतनी जल्दी बाहर नहीं आना। तो ये देखे दोस्तों हमारी ना बेबी डक्स भी आराम से बैठी हुई है दाना पानी खा के। दोस्तों पिजन्स भी बाहर आने की सोच रहे हैं। फाइनली दोस्तों मैंने ना साढ़े के साढ़े पिजन्स को भी खोल दिया, अपने डक्स बेबीज को भी खोल दिया। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ दोस्तों अब ना इनको तो खोल दिया, अब दोस्तों मुर्गियों को भी खोल दूँ और दोस्तों इनको ना पकड़ के थोड़ी देर के लिए पिंजरे में बंद कर दूँ, क्योंकि मुर्गियाँ दोस्तों इन पर अटैक कर सकती है। दोस्तों अब ना इन सब मुर्गियों को खोलने का टाइम आ गया माशाल्लाह से। साड़ी के साड़ियाँ दोस्तों मुर्गियाँ हमने खोल दी हैं और दोस्तों रैबिट्स हमने बंद कर दिए हैं। रैबिट्स को ना अंदर ही ना डाइट फिर से इनकी डाल देते हैं ताकि दोस्तों इनको ना भूख ना लगे। दोस्तों डक्स के बेबीज भी अंदर ही हैं, साड़ी की साड़ी हमने मुर्गियाँ वगैरह खोल दी हैं। तो दोस्तों थोड़े से पट्टे, बिल्कुल थोड़े से ना हम ना इनको अंदर डाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों सुबह का जब से ही आए हैं ना दोस्तों ये खाई जा रहे हैं कुछ ना कुछ, इतने बहुत है। बाकी पानी में अंदर रख देता हूँ। पहले मैं सोच रहा था दोस्तों हमारी ये जो थ्री इडियट्स है ना दोस्तों, ये ब्लैक वाला मुर्गा है और ये वाली और वो वाली दोस्तों मुर्गी है, लेकिन अब दोस्तों मैंने नोट किया कि दोस्तों ये तीनों के तीनों दोस्तों मुर्गियां ही हैं। ये भी मुर्गी है दोस्तों, वो भी मुर्गी है, ब्लैक वाली भी दोस्तों मुर्गी है। बाकी दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे इस चैनल ब्लिथ बर्ड फैमिली को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। वो यार इन दोनों को क्या हो गया, सुल्तान ने दोस्तों चिली को भी मारना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़। तुम तो नीचे उतरो।